पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं एनटीपीसी वाले, वहाँ श्रमिक का शोषण हो रहा, अधिकारी अपनी जेब भरने में लगा है। हाँ, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, वो जेल जाएगा। 13,500 रुपए की नौकरी कर रहे थे, वो भी चली गई, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग नौकरी पे थे? 13 वर्षों से, लगातार 13 वर्षों से। आज पोजीशन ये है कि हम लोगों का परिवार भुखमरी कगार पे आ गया है, या तो हम लोगों को नौकरी दे दी जाए, और या तो इच्छा मृत्यु जिंदगी का 13 साल वहाँ दे दिया, परिवार के समेत जो है सभी लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आए दिन आप दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन अगर देश का हाल जानना है तो जंतर मंतर की खबरें आपको देखनी होगी। आप लोग देख सकते हैं पीछे पोस्टर लगा है, एनटीपीसी का मामला है, और ये लोग राय बरेली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से आए दिन लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, रोजगार मांगते हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। आप लोग राज्य सरकार से मांग नहीं पूरी हुई तो केंद्र सरकार से मांग मांगने चले आए? हम लोग जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह मांगे, अपनी मांग रखी नौकरी के लिए। माननीय यशस्वी योगी मुख्यमंत्री जी के दरबार में 2 बार गए, और उसके बाद जो है फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, सबको जो है ज्ञापन दिया, पोर्टल पे दिया, लिखित रूप से दिया, जंतर मंतर पे 9 तारीख को आए। उसके बाद जो है ये लोग माननीय योगी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, मोदी जी के सारे कार्यों को एक किनारे रख के पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं एनटीपीसी वाले, और एनटीपीसी पूरी तानाशाही पे उतरी है। वो बोल रही कि आप लोगों को जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, हम आप लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे। हम लोग जब पूछते हैं कारण बताइए कि क्या कारण है कि हम लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे, तो सीधा सीधा एक चीज़ बताते हैं कि हमने ये टेंडर दूसरे को दे दिया। जबकि टेंडर हर हमेशा होता था, टेंडर जब से हम लोग कार्य कर रहे हैं तब। कितने वर्षों से आप लोग नौकरी पे थे? 13 वर्षों से, लगातार 13 वर्षों से, 13 वर्षों से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। आज पोजीशन ये है कि हम लोगों का परिवार भुखमरी कगार पे आ गया है, और हम लोग आज जो है यहाँ पे दोबारा इसलिए आए हैं कि राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे के इच्छा मृत्यु के परिवार जितने लोग हैं सभी लोग हाथ उठाएं कि परिवार के समेत जो है सभी लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं, और या तो हम लोगों को पुनः नौकरी दी जाए, जैसे हम लोग कार्य कर रहे थे, सेलो ऑपरेटर पद पे कार्य कर रहे थे, वही कार्य दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? एनटीपीसी के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों लोगों की छवि ये भ्रष्ट अधिकारी खराब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारें श्रमिक के हित में कार्य कर रही हैं, लेकिन जब श्रमिक को फायदा मिलेगा ही नहीं तो सरकार का मतलब हित कैसे श्रमिक जानेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे प्रदेश के तेजतर्रार मुख्यमंत्री हैं, वो जो है श्रमिकों के हितों में जो है लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी लगातार श्रमिकों को प्रताड़ित कर रही है। अभी 250 श्रमिक को एक साथ निकाला था, उन्होंने गेट पे धरना किया, फिर उनको रखा, उसके बाद जो है पैसा वापसी ये करना वो कर, मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हाँ, जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, वो जेल जाएगा। सर, वही पार्टी दावा करिए जिसकी आप वाहवाही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तमाम आप देखेंगे होर्डिंग बैनर भ्रष्टाचार मुक्त, तो ये अधिकारी कहाँ से पैदा हो रहे हैं भ्रष्टाचार? अब मैम, वो पूरी तरह से एनटीपीसी के तो सारे अधिकारी निरंकुश हैं। हमको तो लग रहा है कि एनटीपीसी खुद में सरकार है, खुद में वो एक सरकार है। वो ना तो जब आप राजीव रंजन जी कमिश्नर आपको दिखाया कि एक आईएएस अधिकारी भारत सरकार का आईएएस अधिकारी राजीव रंजन जी, केंद्रीय श्रम आयुक्त जो कि केंद्र सरकार के हैं, उन्होंने लिख के दिया कि 7 दिन के अंदर इन लोगों को सेलो ऑपरेटर या उसके समकक्ष ऑपरेटर का कार्य दिया जाए, फिर उसमें एनटीपीसी के अधिकारी एचआर अधिकारी का साइन, हम लोगों का साइन, राजीव रंजन जी का साइन, उसके बाद भी कार्य नहीं दिया गया। और जब हम लोग उनके पास गए तो बोले कि हम तो जानते ही नहीं, तुम हो कौन,
मतलब अपनी जिंदगी का 13 साल वहाँ दे दिया, और आज ये है कि हम इनकी बेटी की शादी करने लायक है, इनकी बेटी शादी करने लायक है। हम लोगों के यहाँ जो है भूखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। अमृत काल में लोग कह रहे हैं होर्डिंग बैनर की अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया गया, और आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो मैम, जिसके लिए अमृत काल होगा वो अमृत काल होगा। हम लोग तो जो 13,500 रुपए की नौकरी कर रहे थे वो भी चली गई, और 3 महीने से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यहाँ तक कि 2 बार लखनऊ में जनता दरबार गए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके प्रमुख सचिव जो हैं, जो उनके प्रमुख सचिव हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को सारे पोर्टल पे हर जगह हम लोगों ने डाला। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय और ऊर्जा मंत्री कार्यालय पर लिखित तौर पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया मैम, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज राष्ट्रपति महोदया को हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए आए कि या तो हम लोगों को नौकरी दे दी जाए और या तो इच्छा मृत दी जाए। हाँ मैम, अगर वो कार्य NTPC में ना चल रहा हो, जो कार्य हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग कार्य ना मांगते, लेकिन वो कार्य चल रहा, फिर भी हम लोगों को निकाल दिया गया। केवल इसलिए निकाल दिया गया कि उन लोगों का भ्रष्टाचार उजागर ना हो, क्योंकि हम लोग पुराने हो गए थे, उनका एक एक भ्रष्टाचार जो करते थे पता चल जाता था, तो नए श्रमिक रख लिए। जी बताइए। अगर मैम सरकार जो है इस पे नहीं ध्यान दिया, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये अधिकारी इस NTPC को खा जाएंगे, और ये बेचने पे आ जाएगी, घाटे में दिखा कि ये बिक जाएगी। इसी तरह शोषण अगर होता रहा इसका, तो सिस्टम का वहाँ श्रमिक का शोषण हो रहा, अधिकारी अपनी जेब भरने में लगा है, जांच आएगी उसको दबा दिया जाएगा, न्याय कहीं मिलेगा नहीं। अपने आप में खुद ही एक है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिए हैं एकदम। तो जो अच्छे दिन का दावा था वो कहीं ना कहीं फेल होता। सरकार तो अच्छे दिन का प्रयास पूरा कर रही है सरकार, लेकिन सरकार के मनसा, हाँ सरकार की मनसा पर अधिकारी पानी फेर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, ये माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के मनसा पे पानी फेर रहे हैं, और इनको तत्काल चिन्हित किया जाए, अन्यथा उनकी छवि खराब हो रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं ये अधिकारी, इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि निचले पायदान पे ये शोषण कर रहे हैं, और ऊंचे पायदान पे सरकार जो है स्कीमें दे रही है, और नीचे पायदान पे अधिकारी बैठा है वो श्रमिक से पैसा वसूलवा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर से मिली करके महीनवारी ले रहा है, एक ठेकेदार को निकाला जा रहा है, 20,000 लेके पैसा रखा जा रहा है, ये सब चल रहा वहाँ। कितने घंटे ड्यूटी करना, योगी जी वहाँ देखने नहीं जा रहे हैं, मोदी जी वहाँ देखने नहीं जा रहे हैं। अगर उच्च स्तरीय जाँच नहीं कराई जाएगी तो ये एक दिन जो है सरकार को एकदम खराब कर देंगे, दोनों सरकारों को बदनाम कर देंगे पूरा ये। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनका तो शोषण हो ही रहा है, साथ साथ सरकार की भी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। वहीं आप दूसरी तरफ जब देखेंगे अच्छे दिन अमृत काल, तो आप जब धरातल पे देखेंगे कि कैसे इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है कि या तो हमें रोजगार दे दो या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।